लो भाई नमन तिवारी लो। गिर गए गाइस ब्लॉग के चक्कर। गाइस देखो ब्लॉग के चक्कर है, फिर से जूस गिर गया। गाइस आज चॉइस करते हैं गाइस के साथ। गाइस वैसे गर्मी में ना गन्ना जूस पीने का मजा अलग ही है भाई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। सो गाइस बहुत दिनों बाद हमारी ब्लॉग आई है भाई। उसका रीजन नमन भाई को भी यार थोड़ा तबीयत खराब, तो भाई का पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हर चार दिन बाद तबीयत खराब हो रही है भाई की। पता नहीं है गाइस क्या हो रहा है। पूजा करवाओ अपने घर में, इसकी तबीयत ठीक कराओ। पता नहीं यार गाइस क्या हो रहा है यार, बारह फीवर यार अप डाउन हो जा रहा है। मम्मी ने पता करवाया था, शायद मेरे को नज़र लग गई थी, किसी ने मतलब नज़र लगाई थी। पंडित जी के पास गए थे एंड जाके नज़र उतरा के आए, तो प्रॉब्लली इस बार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। पिछले दो दिन से मेरी तबीयत वैसे ख़राब नहीं हुई, एंड होप फॉर द बेस्ट कि इस बार ना हो। क्या होने वाला है सोचा नहीं है अभी, तो ऐसे भी सोचा नहीं है, बट कुछ इंटरेस्टिंग ही लेके आएंगे। एंड ये देखो गाइस, एक और बैट देखो नमन तिवारी ने मेरे को गिफ्ट करा। ये बैट भी पंत जी का ही है ना, ये बैट भी ऋषभ पंत का ही है भाई। गाइस देख लो, जब भी हम निपुना की शॉप पे आते हैं, हमारा निपुना हर टाइम पबजी खेलते रहते हैं। ये देखो गाइस, मैच चल रहा है निपुना का फुल एकदम तोड़म तोड़ में, एकदम बढ़िया निपुना खेलता हुआ, थोड़ी देर में ही मरने वाला है। तुझे कैसे पता? साथ में खेलते ना। चैलेंज लेके आने वाले, चैलेंज नहीं लेंगे हम, अगले वाले कहेंगे उससे भी तगड़ी ब्लॉग आज बना रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा ही कैड़ी वाली गाइस, बहुत तगड़ी। अबे इन लोगों को तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि कौन सा ब्लॉग है ये। चलो ठीक है। गाइस आज है गुजरात और दिल्ली का मैच, एंड हम लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए फिरोजशाह कोटला में। और फिर से मैंने टिकट का जुगाड़ करवा दिया है गाइस। कितना झूठा है और कितना बड़ा झूठ, अंकित कुमार 008। देखो वेद सर की आई कॉल कि अंकित कुमार ले हो गए एक पास। मैंने बोला एक नहीं, अकेले तो देखो कभी जाएंगे नहीं, अकेले तो कभी जाएंगे नहीं, तो नमन तिवारी के लिए सर करो। सर ने कहा नमन तिवारी सर जानते हैं एक्चुअली नमन तिवारी को, इसकी गंदी शक्ल को बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो सर ने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम दोनों पहुंच जाओ फिरोजशाह कोटला, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर हमें एक सर मिलेंगे, वहाँ से हम लोग पास कलेक्ट करेंगे, बाकी तो आप लोग व्लॉग में देख ही लेंगे। चल रहे हम स्कूटी की चाबी निकाल के जाएंगे। पिछली बार हम मैच देखने गए थे कोटला में, स्कूटी की चाबी हम स्कूटी में लगा के चले गए थे। जिसने हमारी पिछले मैच की कोटला की व्लॉग नहीं देखी होगी, ऊपर आई बटन आ रहा है या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, दोनों में से किसी भी ऊपर आप क्लिक करके जाके हमारे वाले व्लॉग देख सकते हैं। हम जा रहे हैं निपुणा देख मैच देखने, तो आज पूरा मैच बैठ के देखियो, क्या पता देख सुन। एक चीज तुझे बोल रहा हूँ, आज मैच देखने जा रहे हैं, कल को खेलने भी जाएंगे। और ये देखो मेरा भाई भी सामने खड़ा है, ये भी खेलेगा, दोनों भाई खेलेंगे दोनों भाई। और फिर उस दिन मामा को सबसे अच्छी टिकट देंगे, और फिर उस दिन निपुणा मसाला यहाँ पे नहीं वहाँ पे खाएगा, और मामा को टिकट देंगे बढ़िया वाली, अंपायर की साइड में जो चेयर लगेगी। हाँ अंपायर के साइड में आराम से बैठेगा, वो वाली तेल चेयर होगी स्पेशल। ठीक है मामा, तुम दोनों मतलब कोई बन जाओ सही मामा, जी अच्छा आ जाएगा फिर तो शरीर के अंदर बनेंगे यार निपुणा बनेंगे यार। देख सबर कर, जिंदगी में सबर का फल बहुत ज्यादा मीठा मिलता है। सात बजे तो कितने बजे से एंट्री हो जाएगी? बंद निकल रहा गाइस, चलो चलो जल्दी निकल, 8:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा, चलो फटाफट हम लोग निकलते हैं भाई। देखो गाइस नमन तिवारी फुल परफ्यूम लगाते हुए, मम्मी टेक केयर करते हुए बच्चों की, एंड हम भी हो चुके रेडी, बट हमारे तो गाइस अभी बाल खराब हो जाएंगे क्योंकि स्कूटी चलानी है और स्कूटी हेलमेट पहन के चलानी है। भाई तो बिना हेलमेट के बड़े चलेंगे, हम फंस जाते हैं हर जगह गाइस। कोई नहीं भाई, एक्साइटेड फॉर द मैच। बिल्कुल भाई बिल्कुल, और 6:50 तो यहीं पे हो चुके हैं, ग्रुप पहुंच जाएंगे टाइम। देखो गाइस अपनी तो देखो भाई, एक तो देखो आज है फिक्स वाली लेट की, लेट तो होना ही है, जहां भी जाना है लेट तो होना ही है। यस बैच यू, बाय बाय। ये रुको, ये लो, ये रख मेरे को चबाने वाली दवाई। गुड, चलो बाय बाय। बाहर पक्का देना क्यूटी का खेल होगा पक्का। देखो गाइस ये कितना गंदा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ गाइस, कितना स्मार्ट लग रहा है, बताओ गाइस कैसा लग रहा है।
गाइस वी आर ऑलरेडी लेट बट फिर भी इसको देख लो डॉगी यार खेलना है। चलो चलो गाइस निकल रहे हैं। देख गाइस मैं इसके घर पे आता हूं, मैं इससे और बाबू से खेलने जरूर आता हूं, इससे जरूर खेलता हूं मैं। देख बैठ गया गाइस, देखो ये भी मैच देखने जाएगा हमारे साथ। देखो गाइस आ रहा है पीछे पीछे हमारे। ओए नहीं आना नहीं है यार, ये आ रहा है। देखो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं कार वाले, उधर बाइक तो छपा के रखते ताकि स्कूटी वाले भी ना निकल पाए। थोड़ा इधर उधर रखे, देखो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। देखो गाइस कहाँ छपा रखते थे बिल्कुल। टॉस हो चुका है, टॉस गुजरात जीत गए हैं। गुजरात ने टॉस के लिए पहली बॉलिंग और दिल्ली की है पहली बैटिंग एंड हमें देखनी है शॉक की बैटिंग, पिटी शॉक की बैटिंग स्पेशली। तो जल्दी जल्दी पावर प्ले पे जाना है बैटिंग देखने में गाइस। एंड मुझे लग रहा है कि हमने अलग कट छोड़ दिया। हां भाई राइट लेना ना ले भाई, फक ए यार भाई। चलो अगले कट जल्दी जल्दी राइट दिखा रहा है गाइस। हम लोग अब डायरेक्ट आप लोगों से लोकेशन पे चल के मिलेंगे, अरुण जेटली स्टेडियम में चल के अब डायरेक्ट आप लोगों से मिलेंगे। बाय गाइस, पहुँच तो चुके हैं, अब बस फटाफट गेट नंबर 10 ढूंढ रहे हैं। स्कूटी हमने पार कर दी और इस बार हमने अपनी चाबी भी रख ली है, फटाफट गेट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दस ही क्या यहाँ पहुँच गए। चलो आप मैजिक ये ले अपनी ले भाई ले लियो। अरे भाई तिवारी, सुमन तिवारी, हाय सर, हमें गाइस इन सर ने पास दिया, थैंक यू सो मच सर पास के लिए। यहां से 7th फ्लोर चढ़ना है, बिल्कुल शुरू हो जाओ। 7th फ्लोर सर, इतना ऊंचाई पे क्यों ले लिया? सर सबसे ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं हमें। चलो 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 गाइस लेट्स गो। अरे ये रहा गुरु, देख ले यार, देख लो सर ने देख लिया ऑलरेडी। लेट्स गो गाइस। बाय नमन तिवारी, सिक्स वन और ऊपर चल रहे हैं सर। दिल्ली रे अभी तो गाइस एंट्री भी नहीं हुई, फिर ही पागल हो रखे हैं। ये देखो ये रहा अपने नेट्स गाइस, थक गए यार, हालत खराब हो गई। पता नहीं कितनी सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके और उतर चुके हैं, फाइनली वी रीच। कहाँ जाना है भैया देख कर? अरे ये सेकंड ये नहीं है क्या अंदर? मेरे को कुछ नहीं है भाई। अरे यार कहा ऐसे मेरे को इंडियन सेलेक्टर्स बोलते हैं कि बेटा एक दिन तुम बहुत ऊपर जाओगे। जिसको देखे वही कह रहा है ऊपर जाओ ऊपर जाओ। अब भेजो ना ऊपर। गुरु बैठेगा गाइस। देखो हम लोग पहुंचे हैं छठे ओवर में, 5.4 में स्कोर हो रहा है, 48 पे 2 विकेट और हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहे हैं। ओहो डिफेंस। बाकी गाइस ग्राउंड देखो पूरा भरा हुआ है, चकाचक एकदम। नमन भाई बैठने की भी जगह नहीं है, क्या करता है भाई? रुक जा भी, सांस पूरी बड़ी है यार। ओ भाई एफर्ट यार, भाई क्या रोगा। लिली है ये, जॉस लिली, आयरलैंड का जो लेफ्ट का मीडियम ऑप्शन नहीं है, हमें कैच करें। हार्दिक पांड्या को देख ले एक बार, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करवाना था। 2 विकेट गिर गई। रूसो जी आए, रूसो जी भी गए और वार्नर जी आए थे, वार्नर जी भी चले गए। पकड़ लिया, ये जो दिखिया मुझे वहां से अंपायर पता नहीं क्या कर रहे, पता नहीं आज अंपायर क्या करते हैं भाई। ये जूम आउट है, आउट है। तो भाई धोनी की आवाज आने लगी, देख ले भाई धोनी को सब याद करने लग गए। भाई सर बहुत तगड़ी कैच पकड़ी उसने, पर गाइस
बाउंड्री के अंदर घुस गया, मेरा बाउंड्री के अंदर घुस गया। ये देखो नेक्स्ट लेवल है, देखो इसको सब से आगे खड़ा है वो। ठीक है भाई, आधे घंटे नहीं, एक घंटे तक भाई मार के हेलमेट भाई साहब, हेलमेट भाई ढीले। लेफ्टी है कौन यार, टेन पॉइंट फाइव ओवर्स हो रहे हैं और 87 रन है, प्रेडिक्ट कर कितने रन बनने वाले हैं? 160 गाइस, मेरे हिसाब से बनेंगे 150 to 155, क्योंकि अभी राशिद खान के भी साथ चार और पूरे के पूरे बचे हैं, बहुत मुश्किल ओवर रन बनाना यार इस विकेट के ऊपर। गाइस देखो कौन आ रहा है ग्राउंड में मैच देखने के लिए। हाँ भाई नमन, ऋषभ पंत ने व्हाइट पहन रखा, तू नहीं व्हाइट आ बेटे मैचिंग। बेटे आज ही देर से पंत भैया का बैट लिया है। छोड़ दी, छोड़ दी, सवाल ली ली बेटे, कैच छोड़ दी। उधर देर से बहुत गए, उधर देर से बहुत तगड़ी बिल्डिंग कर रहा है, एक बॉल नहीं छोड़ रहा, कैच आई, कैच छूट गई, शाबाश सरफराज खान जी की कैच छूटती हुई। आप ये फील्ड देख लो, स्लिप लेग स्लिप शॉर्ट लेग और सामने वाला देखो ऊपर ले लिया और राशिद खान बॉल डालते हुए और सारे जगह खड़े आते हैं यार, सारे खड़े आते छूटते ही। भूख लग रही है भाई को, है चिप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, देख लो गाइस ये चिप्स भी, देख लो गाइस 60 रुपए के हैं, देख लो कितने चिप्स। गाइस स्कोर देखो 19.3 ओवर 158 हो गए, हमारे नमन तिवारी ने प्रेडिक्ट कर दिया कि 160 बनेंगे, 158 हो चुके हैं, लेट्स सी कि टारगेट क्या जाएगा भैया। आउट हो गया, आउट हो गया, अरे यार बस समीर डर पे और ये डॉट नमन ने प्रेडिक्ट किया था 160 स्कोर टोटल जाएगा, सिर्फ दो रन चाहिए लास्ट बॉल पे, दो रन टारगेट होगा हमेशा, देख ले रहे चलो भाई देखते हैं लास्ट बॉल पे दो रन चाहिए हैं। नहीं अरे भैया ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग तो ब्लॉग में स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट करता कि टारगेट जाएगा 160, इसने पहले टिक 60 बोला था, 60 से पार होगा अभी लास्ट बॉल। सबके फोन आने का ही देख लो, सबके फोन देखो बाहर निकले हुए, टारगेट दिया गाइस 163 रन, मैं कह रहा हूँ दिल्ली मैच जीत रहा, चल ठीक है देखते देखते हैं भाई, लेट्स सी गाइस, मेरे हिसाब से दिल्ली मैच जीत रही है, इसके बाद से गुजरात मैच जीत रही है। चार दिल्ली के बीच लगे।
भाई पता पीछे क्या नारे लगा रहे हैं, हमारी भाभी कैसी हो, भाभी कैसी हो, सारे भाभी जैसी हो, सारे भाभी जैसी हो, क्या बोल्ड मार है भाई साहब, बोल्ड मार के बीच से मार दिया बैट और पैड के बीच से, नो क्या जी ने बोल्ड डाल दी उसने, डाल दी ओ और विद डीसी टोली। चलो भाई गाइस फ्री हिट बोल्ड गाइस, गिल बोल्ड हो गया, गिल खुशी देख दिल्ली वालों की, ले बेटे गिल बोल्ड, पांडे आ गया गाइस आप लोग की फेवरेट टीम कौन सी है ये चीज भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइस स्कोर हो रहा है 7.3 ओवर में 65 फॉर 3 विकेट, कल तैयार चीज होंगे 75 बॉल्स में 98 रन से सब इतने बड़े कैमरे में आरोन को पता गया पकड़ लेता यार हमारे कीपर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सुपर है भाई, हो जाए हो जाए, एंड दैट्स अ 50 रन पार्टनरशिप फॉर द फोर्थ विकेट बिटवीन द टू बैटर्स, और आगे रहेगा भाई यार, फेमस हो गया, 5 लाख लोग देख रहे हैं उसको, ये क्या इतने उसको टीवी में नहीं देखा जितना मेरी व्लॉग में देखा, सही में हो गया बारह थैंक बोल दो भाई, बाद में थैंक बोल दो आराम से, बहुत टाइम है हाथ हिला रहे हो लोग इट्स अ फेयर डिलीवरी एम्पायर हैज गिवन नॉट आउट एंड फ्रंट टॉम्स फिनिशिंग प्लीज बेटे बल्ले नहीं लगा तो आउट है अंकल जी ने अपना ऑलरेडी डिसीजन दे दिया, यूं कर उंगली खड़ी कर दी है अंकल आउट है वो अपना इजी बॉल है, बोला कि दो विकेट गिर जाए, अबे पिचिंग की चोट है भाई, दो नई लाइन गाइस नेक्स्ट बैट्समैन इज किलर मिलर, किलर मिलर You can give him a
और हम लोग अभी निकल रहे हैं, लेट्स गो। चल भाई सगाई, दिल्ली हार गई आज का मैच। अभी हमें ये पता नहीं कितने विकेट से, बट अभी चार विकेट ही गिरी थी। चले भाई, बर्गर 100 के दो मिल रहे हैं, ले ले क्या? 100 रुपए के दो मिल रहे हैं, बर्गर ले लूं? बर्गर किंग वाले ले ले, आने जल्दी। चल ले ले। हां भाई नमन, कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस? है ब्रो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया यार, सही रहा, मजा आया। हाँ ठीक था मैच, थोड़ा और बढ़िया हो सकता था, और बढ़िया हो सकता था अगर दिल्ली अगर अपनी इतनी जल्दी जल्दी विकेट नहीं खोदी तो, है ना? छक्के छोके लगते तब मजा आता, जीते कोई भी यार ज्यादा था, वो तो क्रिकेटर सपोर्ट कर रहे थे, बढ़िया खेलती जो टीम जीती। बट गाइस फिर भी चलो मजा सा आ गया यार, निकल गए। बाकी चलो अब घर के लिए निकलते हैं। तेरे घर ही चलू क्या? और क्या भाई, घर ही, तेरे घर ही चल के सुन। चलो भाई निकलते हैं घर के लिए, एंड देखते अभी तो ऐसे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ मिलने वाली है। फोन पे फोन आ रहा है, किसके फोन आ रहा है? आरजे भाई कॉल आ रही है गाइस, कल मैच के लिए, कल इसका भी मैच है और शायद कल गाइस मेरा ही मैच है, मेरा दूसरा मैच है गाइस, इसका टूर्नामेंट का मैच है और मेरा ऐसी नॉर्मल मैच है। स्कोर कार्ड ही चेक कर लेना। क्या कर स्कोर कार्ड ही चेक कर लेना, तिवन नमन कल आईपीएल की तरह तू ही मारेगा, गंदे ही मारूंगा। चलो गाइस एक मिनट जरा भैया का फोन उठा लेते हैं यार। गाइस भीड़ चेक आउट मारो एक बार, मैच क्या खेलने तक की जगह नहीं है यहां। सामने पुलिस वाले और हम दोनों बिना हेलमेट के हैं। हां पुलिस वाले घूम रहे हैं तो बिना हेलमेट के रहते हैं। ये देखो हमें यार जल्दी जाओ, ये तो कुछ नहीं है गाइस, ये फीचर बहुत ज्यादा है, दो मिलिंगा जा रहा है मिलिंगा। गाइस देखो मैच हो गया खत्म, अब मेरा नमन का मैच स्टार्ट, बॉटल फ्लिप चैलेंज बिटवीन मी एंड नमन। गाइस ना जीता है ना जीतेगा, पांच बारी का है ठीक है, अभी 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 पड़ गई थी अभी देखो गाइस दो बारी होगा सच में, दोनों बार दो बार कर दिया। देखो मेरा हाथ सेट नहीं, इसका हाथ सेट हो गया, लेकिन अच्छा अब हाथ सेट हो गया, दो तीन चार गाइस, मैं कहता मेरी बच्ची मिलेगी, दो तीन टेढ़ा हो गया, चार मुझे तो मेरी बच्ची मिलेगी ना। हाँ हाँ अभी अभी तुमने ही बोला कि बच्ची मिलेगी, चार चार बराबर, चार चार बराबर है। अभी इसने गाइस बोला था कि जब मेरे पास जाएगी इसकी बच्ची आएगी, तो स्टार्ट तूने करा है, स्टार्ट तूने करा, दिखाऊं व्लॉग में, व्लॉग में दिखाऊं, स्टार्ट तूने करा, मेरी बच्ची मेरी नहीं आई क्या? स्टार्ट पहले तूने करा तो सेकंड बच्ची तो मेरी नहीं है, कोई नहीं रहा जिसका हो रहा है उसके बाद हो रहा है। सुन सिर्फ रैपट में खेलूंगा, चल मेरी बच्ची, चल चल ठीक है, ये ना लोगों से पूछ लियो, स्टार्ट तूने करा है तो भाई सेकंड बच्ची तो मेरी आई ना, मैं जीत गया ना, ऐसी गेम तेरी बच्ची क्यों आई कर रहा, देख लो एक मिनट तो खुद को बता, मैं तो गाइस इसी भरोसे था ना मेरी आखिरी में आएगी। एक मिनट स्टार्ट तूने करा तो आखिरी बच्ची तेरी कैसे आ गई? स्टार्ट तूने करा ना आखिरी बच्ची तो मेरी है, सेकंड बच्ची तेरी पांच हो गई तो मेरी जाएगी, पागल बना रहा है बच्ची चल रही है, कितना झूठा भाई साहब, पहले बोल चैलेंज आ रहा है, पहले बोल हार गया ना, तेल दे गाइस नहीं खेल रहा, नहीं खेल रहा मैं तेरी बहन की मार, चल जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी स्टार्ट कर, घर चल है, घर चल है, हरा दिया गाइस आपके नमन की बारी को, ना कभी अंकित जीता है ना कभी जीतेगा, साले
बीच रोड पे देख गाइस एक बार रोड पे बीच रोड पे पहला है तेरे को बीच रोड पे चार बार प्रैक्टिस कर रखी थी तूने बोला था अभी तूने बोला नहीं भाई मैंने दो बार करे यार ये क्या बंदा है गाइस देखो आपका भाई हारता है तो हार को ना एक्सेप्ट करता है इसकी तरह नहीं हूं इसकी तरह नहीं हूं इसने इसके पहले चार बार प्रैक्टिस कर चुका है फिर मेरे को आके बोला मैंने 10 बार करी थी मैंने 10 बार करी थी जीता ना प्रैक्टिस मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं अपनी प्रैक्टिस को ले वीडियो दिखा चल ले हो गया अब बता दे तो बता दे नहीं बता दे जो चैलेंज आ रहा है वो तो आ रहा है सबको पता है कि कौन जी सकता है भाई गिर गया भाई गिर गया भाई बहुत दूर जाना है लेट्स गो चले लेट्स गो भाई लोगों कहाँ जा रहे हो कौन से मैच खेलने जा रहे हो कहाँ जा रहे हो तू रहन देना इसको अरे बंद कर दिया यार बंद कर दिया बस होने में बता रहा हूँ बंद कर दिया है अरे मसाला खाना है